हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड मंत्रा एंड आई एम डाइटिशियन शिखा। तो आज हम बात करेंगे ग्रीन टी वर्सेस ब्लैक टी, कौन सा टी आपके लिए बेस्ट है, कौन सा टी आपके लिए हेल्दी है। अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको मिलेगा ग्रीन टी ज्यादा हेल्दी है ब्लैक टी से। इसका रीजन मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आप ग्रीन टी नहीं ले पाते हैं तो आप ग्रीन टी की जगह हर्बल टी ले सकते हैं। ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही सेम प्लांट कैमेलिया सिनेंसिस के पत्तियों से बना होता है। अब आप ये बोलेंगे और ये सोचेंगे कि जब दोनों सेम प्लांट के पत्तियों से बना है तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, एक ज्यादा हेल्दी दूसरे से क्यों है। वेल, ये डिफरेंस इसके प्रोसेसिंग की वजह से होता है। इसके प्रोसेसिंग में एक ऑक्सीडेशन होता है जो कि ग्रीन टी का नहीं होता है और ब्लैक टी का होता है, इसकी वजह से ये डिफरेंसेस होता है। ब्लैक टी का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें ब्लैक टी के पत्तियों को रोल करके उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो सके, जबकि ये प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन ग्रीन टी में नहीं होता है। और इसी प्रोसेस की वजह से ब्लैक टी के पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है, जबकि ग्रीन टी के पत्तियों का कलर लाइट ग्रीन कलर का ही रहता है। ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही हमारे ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है क्योंकि इसमें स्टिमुलेंट कैफीन पाया जाता है। अगर कंपेयर करें कैफीन कंटेंट की ब्लैक टी और ग्रीन टी में, तो ग्रीन टी में एज कंपेयर टू ब्लैक टी कम कैफीन होता है। ग्रीन टी में एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको EGCA भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म एपीगैलो कैटेचिन 3-गैलेट भी है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी को बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी हमें बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। ऑक्सीडेशन की वजह से ही हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और फ्री रेडिकल्स हमारे सेल को डैमेज करता है। अगर एक बार हमारा सेल डैमेज हो जाता है तो बीमारियां वहीं से शुरू होती है। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेते हैं तो वो आपको आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को इनहिबिट करता है, आपको बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। बहुत ही इजी है ग्रीन टी बनाना। मैंने एक कप हॉट वाटर लिया है और अब इसमें मैं हाफ लेमन ऐड करूंगी। मैं लेमन इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा ग्रीन टी अनफ्लेवर्ड है। अनफ्लेवर्ड ग्रीन टी सबसे बेस्ट होता है। आप भी अनफ्लेवर्ड ही ले, और फ्लेवर के लिए आप लेमन ऐड कर सकते हैं, मिंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिनेमन या थोड़ा सा इलायची भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन टी बैग को बस 2 मिनट डिप करना है। 2 मिनट में ही आपका ग्रीन टी बनके रेडी हो जाएगा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, साथ ही साथ अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो ये आपके बॉडी फैट को मोबिलाइज करता है और आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। आप इसे चाहे तो प्री वर्कआउट ड्रिंक भी ले सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, ये हमारे बॉडी के बैड कोलेस्टेरॉल को कम करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मसल को टोन करने में हेल्प करता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर ऑल्सो, ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इस ID पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।